हेलो फ्रेंड्स, और एक नाम आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इस बार इंडिया के ओडिशा का कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में चल रहा है। तो ये जो इवेंट है 13 जनवरी से शुरू हुआ है जो कि 29 जनवरी तक चलने वाला है। तो आज है 19 जनवरी को खेला जाएगा चार मैच। ये जो चार मैच होगा, कौन सा टीम किस टीम के साथ मैच खेलेगा, कहां पर मैच खेलेगा, कौन सी पूल का ये मैच है, कब मैच खेला जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे और उसके ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो आप लोग हॉकी प्रेमी है, हॉकी के बारे में जो भी सूचना आता है उस पर आपकी नजर रहता है। तो कल था 18 जनवरी, रेस्ट डे था, कोई मैच खेला नहीं गया, लेकिन आज है 19 जनवरी, आज खेला जाएगा चार मैच। ये जो चार मैच होगा, दो मैच होगा पूल सी का और दो मैच होगा पूल डी का। तो पहले मलेशिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच मैच होगा, ये पूल सी का मैच है। दिन की 1 बजे मैच होने वाला है भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। दूसरा मैच होगा नेदरलैंड्स वर्सेस चिली के बीच, ये पूल सी का मैच है और ये दिन की 3 बजे मैच होने वाला है वही भुवनेश्वर की कलिंग स्टेडियम में। तीसरा मैच होगा पूल डी का, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड के बीच, ये शाम के 5 बजे मैच होने वाला है, ये मैच भी भुवनेश्वर की कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा। दिन का आखिरी मैच होगा यानी कि 4 नंबर मैच होगा इंडिया वर्सेस वाल्स के बीच, एक दमदार मैच देखने को मिलेगा शाम के 7 बजे, ये पूल डी का मैच है, वही कलिंग स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। तो आज जो चार मैच होगा, एक एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि जो 8 टीम है एक एक अच्छा टीम है। आज जो भी टीम अपनी रणनीति को लेकर मैदान में उतरेगा और उसी के अनुरूप प्रदर्शन करेगा वही होगा विनर और आगे के लिए निकल जाएगा। तो आज जो चार मैच होगा एक एक अच्छा मैच होगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी ये वीडियो शेयर करना जरूरी है, तो इसीलिए ये वीडियो बना दिया। मुझे लग रहा है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा, तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमृत लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।